नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप ये जो फूल देख रहे हैं, आप इसकी खूबसूरती से पता कर सकते हैं कि ये कितना सिंगल पेटल में बेहतरीन एडेनियम का फूल है। इसका प्लांट तो छोटा है, लेकिन आप इसकी जो फूल का साइज है, आप इसका देख सकते हैं कितना बड़ा है। इसका जो फूल आता है बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, और ये जो अभी देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार खिला हुआ है। और इसकी आईडी मैं बता देता हूँ, ये स्टार फिश है, इसको स्टार फिश कहा जाता है। और जब भी ये खिलता है, इसका फूल जो होता है बहुत बड़ा होता है। अब इसका खूबसूरत फूल देख सकते हैं, ये आप देखिए कि अभी तो इतना बड़ा पौधा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। और आप देखिए इसमें लिप्स भी हैं, बहुत सारे इस सीजन में इसके पीले होकर गिर गए थे, लेकिन कुछ पत्तियां इसमें निकली भी हैं। ये तो नीचे से उगाया, इसको मैंने काटा नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये पौधा है। और इसका जब भी फूल आता है बहुत ही सुंदर होता है, और स्टार फिश नाम है इसका। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्या कमी है कि ये जो पौधा होता है, इसकी जो वैरायटी है, ये स्लो ग्रोथ करता है, ये पतला होता है। और इसका ग्रोथ जो होता है, और जो एडेनियम के मुकाबले इसमें स्लो ग्रोथ होता है। एक और वैरायटी है जिसका नाम है गोल्डन हार्ट, ठीक इसी प्रकार का है, उसमें थोड़ा फ्लावर छोटे छोटे आते हैं इसके मुकाबले, लेकिन वो भी उसमें भी ग्रोथ जो होता है स्लो होता है। लेकिन एक खासियत यही है, इसका जो फ्लावर है बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, और सभी खिलते हैं। जब भी इसमें बड़ आता है तो इसके फ्लावर खिलते हैं। सिंगल पेटल में तो यही गुण है कि क्वालिटी होती है, कि इसके जितने फ्लावर हैं अच्छी तरह से खिलते हैं, बहुत ही कम बड ड्रॉप होता है। और देख सकते हैं कि इस तरह की वैरायटी अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास ये केवल सिंगल है, केवल एक ही है, और इसका मैंने ग्राफ्ट करके बनाया भी नहीं है, लेकिन जब भी खिलता है ये बहुत ही सुंदर खिलता है। आप देख लीजिए कितना इसका पैटर्न सुंदर है। और मीडिया मैंने सिंपल सा, जो एक बार मीडिया मैंने बनाया हुआ था, मिट्टी, कंपोस्ट, राइस हस्क, इसी को मिलाकर जो मैंने बनाया हुआ था, उसके बाद मैं कुछ देता नहीं हूँ इसमें। देखिए कि जो राइस हस्क है, इस तरह से ये पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके हैं। यहाँ देखिए, उसके बाद जब भी रिपोर्टिंग मैं करता हूँ, उसी समय मीडिया का फिर से मैं कोई खाद इसमें डालता हूँ। बीच में मैं नहीं के बराबर 99% कहिए कि खाद मैं नहीं डालता हूँ किसी भी एडेनियम में। देखो, एक बार जो रिपोर्टिंग करते हैं उस समय जो कंपोस्ट मिलाया जाता है, मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी सफिशियंट होता है। 25 से 30%, 25% भी आप मिलाते हैं तो साल भर वो चल जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल पानी देखना है, मेंटेन करना है, और सब सफाई है पौधे की ये देखना है, और कुछ इसमें मेंटेन की ज़रूरत नहीं है। तो ये दिखलाना चाहता था मैं कि इस समय जो अक्टूबर का, आज है 6 अक्टूबर है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन खिला हुआ है। और ये माफ कीजिएगा, 6 अक्टूबर नहीं, 6 नवंबर है। और एक बार और जितने भी एडेनियम है, ये लास्ट फ्लस है, इसके बाद ये डोरमेंसी में चल जाएंगे, उसके बाद फ्लावर नहीं आएंगे। ये जो जितने भी फ्लावरिंग हो रही है, ये लास्ट फ्लावरिंग है, उसके बाद ये पूरी तरह डोरमेंसी में चल जाएंगे, उसके बाद आप मान के चलिए कि मार्च में इसमें फूल आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।